जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फेंट वन अकेडमी की तरफ से यह श्रृंखला लाई जा रही है। यह हमारी आज 8वीं होगी जिसमें हम बीपीएससी के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हमारी 10 मैथ्स की श्रृंखला थी, उसमें यह देखते हैं कि आज हम कहता है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रश्न कर सके। तो इसमें एक है कांग्रेस अधिवेशन 1916 का लखनऊ में हुआ था, दूसरा वर्ष 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन था, वर्ष 1918 में होने वाली प्रथम ए यू पी किसान सभा, और डी वर्ष 1938 ईस्वी में नागपुर का संयुक्त ए आई टी यू सी और NTU सभा थी। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर होगा होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक। इसमें तो कांग्रेस का वर्ष 1916 में लखनऊ में, और यही 1916 में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे, और इसी के माध्यम से उन्होंने राजकुमार शुक्ल को कहा था, वह किसान के एक मजदूर थे, जिसमें उन्होंने गांधी से मिला और गांधी से मिलने के बाद कहा कि आप हमारे बिहार चंपारण आइए जहां किसानों की दुर्दशा हो रखी है। तो उसके लिए गांधी जी 15 अप्रैल को 1917 मुजफ्फरपुर पहुंचे और 17 अप्रैल को चंपारण पहुंचे, और उन्होंने किसान की दुर्दशा को देखा, और किसान की दुर्दशा को देखने के बाद उन्होंने अपने जो सत्याग्रह का था यहाँ पे प्रयोग किया, और गांधी ने पहली बार अपने उस अस्त्र का यहीं पे प्रयोग किया था। और यह 1917 में, जिसको तिनकटिया भी कहा जाता था, गांधी ने उसने अंग्रेजों के विरोध में यहाँ पे अपने प्रदर्शन किए और लोग उनसे जुड़ते चले गए। चलिए दूसरा देखते हैं, कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1982 में नहीं हुई, वर्ष 1906 में, और 1916 और 1919। तो 1906 में हुई और 1916 छोड़ दीजिए, 1917 1919 में यह जलियांवाला बाग होता है जिसमें जनरल डायर द्वारा निर्देश देने पर हजारों लोगों को गोली से निहत्ते लोगों को मार दिया जाता है। और यह पंजाब में आप देखते हैं कि यहाँ बैसाखी मेला लगी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद कहता है नाई धोबी बंद सामाजिक वॉयकॉट का एक स्वरूप दान जो वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ। तो इसमें कहता है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन, या ई जिसमें एक कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका होगा पहला, जिसमें किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, यह नाई धोबी बंद सामाजिक वॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 ईस्वी में ही चलाया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ था। 1919 में ही आपने देखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइथ रूट की उपाधि को त्याग दिया था। यह सारी घटना 1919 की है। तो जरा देखते हैं इसमें, तो हाँ इसमें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है। तो सूरत फूट अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और यह अहमदाबाद फूट नहीं था, लखनऊ नहीं था, सूरत था और कराची नहीं था। और यहीं से कांग्रेस जो 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था, वह कांग्रेस दो धड़ाओं में बढ़ जाती है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। एक नरम दल जो चाहते थे कि हम इन्हीं के साथ मिलजुल कर काम करें अंग्रेजों के साथ, और शालीनता से हमें भी अधिकार मिले, और दूसरा मार काट के माध्यम से चाहते थे कि हम इसको आजादी दिलवाएं, किसको, भारत को। ठीक है, उसी चीज को कहता है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता
में सूरत गुजरात हुआ, सूरत में हुआ जो गुजरात है क्या जगह है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ जिसे सूरत फूट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यह वही हुआ। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, यह अध्यक्ष थे, यह अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। या इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस समय कांग्रेस दो धाराओं में बट गई थी, अंत में जाकर के 1917 में या 16-17 में एक कांग्रेस फिर एक हो जाती है, नरम दल गरम दल एक हो जाती है। आगे देखिए, फिर कहता है कि आईए ने इंडियन, हाँ आईए ने किसके मस्तिष्क की उपज है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, डॉक्टर मोहन सिंह है और चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है। इनमें से डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज है या जिसने आईए ने किसके मस्तिष्क की उपज है, तो देखिए आगे फिर क्या कहता है। कहता है कि किसका विरोध करते समय हुए लाठी चार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, तो इसमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन। तो यह साइमन कमीशन के विरोध में जो भारत आया था उसके विरोध में लाठी चार्ज में अंग्रेजों द्वारा जो सैनिक थे उनके द्वारा इनको मारे जाने के तकरीबन एक महीने बाद इनकी उसी लाठी खाने की याद, लाठी खाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लाठी खाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे उसी चीज को देखिए क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठी चार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे जिसने सभी सदस्य अंग्रेज थे और जिसके कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। और इस कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किया गया था जिसे श्वेत आंदोलन भी कहते हैं, श्वेत कमीशन भी कहते हैं। चलिए उसके बाद कहता है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामी को समाप्त करने की नीति अपनाई, तो यह कार्यकारिणी कमेटी 1937 वाली थी, इसके तहत। यह आगे देखिएगा, कहता है उसके बाद केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ा, यानी महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो यह महाराष्ट्र में। देखते हैं क्या कहता है। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी और जिसके संपादक लेखक बाल गंगाधर तिलक थे, और केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे, और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। और आप देखते हैं कि पत्रिका ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया और बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा, यानी अंग्रेजी द मराठा व गीता रहस्य पुस्तकों की रचना की। ठीक है, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा द मराठा। उसके बाद आप देखते हैं कि मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य जैसी पुस्तकों का इन्होंने प्रतिपादन किया। आगे देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो 1807 से लेकर के 1808, 1820 ईस्वी, 1858 से 59 और 1879 ईस्वी, तो यह 1820 ईस्वी में हुआ था छोटा नागपुर विद्रोह। यह जनजातियों का विद्रोह था और इसमें आप देखते हैं कि झारखंड, ओडिशा वगैरह ये सारे छोटा नागपुर पठारी के क्षेत्र में आते हैं। आगे देखिएगा, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया, तो ये बेहुदवा जनरलवा ने दिया, जनरल डायर ने दिया। आगे देखिएगा इसमें क्या कहता है। कहता है कि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियों चलाने का आदेश जनरल डायर चोर ने दिया था और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा के दौरान घटी थी। और यह जो जनसभा है, आप देखते हैं कि यह जो घटना घटी थी, यह घटना जो घटी थी,
इसमें हजारों लोग निहत्थे मारे गए थे, किसने ने तो कुएं में, आज भी कुएं में कूद कर अपनी जान दी भागने में। वह एक बंद दीवार आज भी वहां है, गोले के निशान आज भी वहां देखने को मिलते हैं। चलिए, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, यह सभा इलाहाबाद की सभा थी। आगे देखिएगा, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह सरकार को लगान देना बंद करना था। फिर सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, वही सत्याग्रह होता है। फिर भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो यह आप देखते हैं कृषि से है, लघु एवं छोटे उद्यम से है, दुर्बल वर्ग से है और पशुपालन से है। तो यह एक से अधिक है, क्योंकि कृषि को भी सशक्त बनाना है, लघु एवं मतलब स्मॉल एवं मीडियम जो भी है इनको भी बनाना है, दुर्बल वर्ग जो कमजोर है उनको भी बनाना है, पशुपालन को भी बनाना है, इन सबको बनाना है। ठीक है, आगे देखिएगा, बिहार के किस जिले में बाल मजदूर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह पटना में की गई है और यह बिहार की राजधानी भी है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी था। और आगे इसकी स्थापना उदयन द्वारा की गई थी, जो अशोक के बाद जो शासन बना था मौर्य का, उसने इसकी स्थापना भी की थी। आगे देखेगा, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह आप देखिएगा, वॉल्टर जी रोशेन, ऑर्थर टेंसले और एडवर्ड सुएस और जेफरमैन फरमैन। यह आर्थर टेंसले द्वारा किया गया था। देखिएगा, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्राह्य घोषित किया गया हो अथवा जिसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जाता हो, सहायक मुद्रा कहलाती है, प्रधान मुद्रा कहलाती है। फिर आप देखते हैं, विधाग्रह मुद्रा कहलाती है और ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। तो यह विधि ग्राह्य मुद्रा कहलाती है यानी लीगल टेंडर कहलाती है। ठीक है, देखते हैं, चलिए देखिएगा, इसको कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्देश करता है? तो यह RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने से संबंधित है, यह होगा। उसके बाद कहता है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो यह राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार इसको लगाती है और वसूल करती है। उसके बाद पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो यह तारापोर समिति द्वारा की गई थी। रंगराजन समिति उससे संबंधित नहीं है, अविध सुशन समिति उससे संबंधित नहीं है, नरसिम्हा समिति उससे संबंधित नहीं है। उसके बाद कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवस्फीति का समुचित वर्णन नहीं है? तो यह किसी मुद्रा के मूल्यों में अन्य मुद्राओं के मुकाबले आए अकस्मात गिरावट है। उसके बाद यह अर्थव्यवस्था में सतत बनी हुई मंदी है और यह वस्तुओं और रेखाओं की सामान्य कीमतों स्तर में सतत गिरावट है और यह किसी समयावधि में मुद्रा स्फीति की दर में गिरावट है। तो इसका आंसर होगा सी, यह वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों स्तर में सतत गिरावट है। चलिए, उसके बाद कहता है, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। कारण इसका है कि निर्यात आयात बैंक को इसके कारण से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन देश कौन सा किया गया, आयोजित कहाँ किया? तो यह उज्बेकिस्तान में किया गया था। कहता है, भारत सरकार ने राज्य पथ का नाम परिवर्तित करके इसमें कर्तव्य पथ कर दिया है। फिर कहता है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में पाया जाता है। बिहार की महान भूमितियों में से किनका जन्म स्थान सिवान में है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जयप्रकाश नारायण, जगदीवन राम और अनुग्रह नारायण उनका नहीं है। फिर कहता है, बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? तो यह औरंगाबाद में पाया जाता है। और उसके बाद, बिहार राज्य सरकार प्रदूषण
प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर तथा जानलेवा ग्रीष्म लहर को देखते हुए पेड़ों की काटने पर रोक लगाई है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह आप देखते हैं, इसमें इसमें कहता है कि पेड़ों को कटाई के रोकने के लिए, और इसका देखते हैं जिसमें कहता है कि बिहार सरकार, इसमें देखा कि बिहार राज्य सरकार ने प्रदूषण को बढ़ते हुए स्तर तथा जानलेवा ग्रीष्म लहर को देखते हुए पेड़ों की काटने पर रोक लगाई है, और इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेड़ों की कटाई पर रोक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नहीं, या नहीं होगा। उसके बाद बिहार में पेड़ सुरक्षा अधिनियम नहीं बनाया गया है। उसके बाद कहता है यह नियम केवल सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर लागू होता है, बस यही इसका आंसर होगा। फिर कहता है 20वीं पशुधन, उसके बाद जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य पशुधन संख्या सबसे अधिक है, तो यह यूपी में है। आगे देखिएगा, और भारत मिल्क उत्पादन में पहला स्थान भी रखता है। चलिए, उसके बाद कहता है कि सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर स्थित देश के सबसे रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया था, तो यह गया में हुआ था। फल्गु नदी गया पे स्थित है। आगे देखिएगा, उसके बाद आत्मीय सभा यानी सत्व बोधिनी सभा, बालिका विद्यालय और उसके बाद कहता है पुनः सार्वजनिक सभा के लिए निम्न में से, तो इनका देखिएगा, इसमें आप राजा राम मोहन राय, आप इसमें देखिएगा आत्मीय सभा, उसके बाद राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ, उसके बाद देवेंद्रनाथ में तत्वबोधि सभा, और उसके बाद बालिका विद्यालय आप ज्योतिबा फुले द्वारा देखते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं पुनः सार्वजनिक सभा MG रणांडे द्वारा आप इसको देखते हैं, यही होगा। फिर कहता है कि 32 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक तो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, तो यह दिल्ली हो जाएगा। कहता है अभी भारत की दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। कहता है भारत में जेट्रोफा पौधा से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था, तो यह शताब्दी एक्सप्रेस का किया गया था। आगे देखिए, कहता है कि पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था, तो यह भारतीय सेना द्वारा किया गया था। हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई थी, यह किसके संबंधित है, तो यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। यह आपकी कक्षा समाप्त होती है, हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।